गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हम लोग चैप्टर टेस्ट कर रहे थे उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर थर्टीन तक कंप्लीट किया था ठीक आज करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अ किटन वेज टू किलोग्राम्स द वेट ऑफ अ कैट इज सिक्स टाइम्स ग्रेटर व्हाट इज़ द वेट ऑफ द कैट बहुत सिंपल क्वेश्चन है एकदम ईजी क्वेश्चन है अ किटन वेज टू किलोग्राम्स एक किटन जो है उसका वेट है टू के द वेट ऑफ अ कैट इज़ सिक्स टाइम्स ग्रेटर और कैट का वेट उससे सिक्स टाइम्स ज़्यादा है तो वट इज़ द वेट ऑफ द कैट तो कैट का वेट कितना है एकदम सिंपल क्वेश्चन है किटन है उसका वेट है टू के जी और कैट का वेट है उससे सिक्स टाइम्स ज़्यादा तो कितना वेट होगा कैट का किटन के वेट को सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कैट का वेट कितना है Weight of the kitten is equal to two KG. Therefore, weight of the cat is six into two KG. सिक्स टूजा ट्वेल्व के जी ठीक है तो ये क्योंकि एम सी क्यू है इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो आंसर हम इसमें टिक करेंगे टेन के जी सिक्स के जी ट्वेल्व के जी एंड फिफ्टीन के जी ठीक आंसर हमारा क्या है ट्वेल्व के जी तो इसको हम टिक करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन में भी पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आंसर लिख के जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करेंगे ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जय यूज थ्री हंड थाउजेंड फाइव हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर ऑन मंडे एंड हिज सिस्टर वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी फाइव एम एल ऑफ़ वाटर मोर देन जय हाउ मच वाटर इन ऑल डू बोथ ऑफ देम यूज़ इन ऑल इन लीटर्स एंड मिली तो क्वेश्चन क्या है कि जय ने मंडे को इतना वाटर यूज़ किया है और उसकी सिस्टर ने इतना वाटर यूज़ इतना ज़्यादा वाटर यूज़ किया है जैसे जय ने इतना वाटर यूज़ किया है और उसकी सिस्टर ने उससे इतना ज़्यादा वाटर यूज़ किया है हाउ मच वाटर इन ऑल डू बोथ ऑफ दैम यूज तो दोनों ने मिलाकर कितना वॉटर यूज किया है ये फाइंड आउट करना है और उसको फिर हमें लीटर्स एंड मिली लीटर्स में फाइंड आउट करना है ठीक है तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि दोनों ने कितना कितना वाटर यूज किया है वॉटर यूज बाय जय कितना वाटर यूज किया जय ने थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एम एल थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एम एल उसकी यूज किया है सिस्टर जितना जय ने यूज किया है उससे वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी फाइव एम एल और ज्यादा तो थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एम प्लस वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी फाइव एम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा उसकी सिस्टर ने कितना यूज़ किया है ठीक है तो पहले इन दोनों को ऐड करते हैं फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव एम ठीक है अब पूछा हमसे क्या है कि दोनों ने मिलकर कितना वाटर यूज़ किया है बोथ ऑफ दम तो एक ने इतना यूज किया दूसरे ने इतना यूज़ किया तो टोटल कितना यूज हुआ है दोनों को ऐड करेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ of... वाटर यूज्ड कितना यूज हुआ है थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एम एम एल प्लस फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव एम एल अब इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ ठीक है एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी फाइव एम एल अब हमें ये आंसर लीटर्स एंड मिली लीटर्स में बताना है ये तो हमारा मिली लीटर में आंसर आया है लेकिन इसको हमें लीटर्स और मिली लीटर्स में बताना है तो क्या करेंगे हम इसको थाउजेंड से डिवाइड करके देखेंगे कितना आता है है ना इसको हमें लीटर्स और मिली लीटर में चेंज करना है ना इसलिए इसको थाउजेंड से डिवाइड करेंगे Eight thousand seven hundred sixty five ML is equal to eight thousand ML plus seven hundred sixty five ML. आंसर होगा एट लीटर सेवन हंड्रेड सिक्सटी फाइव मिली लीटर ठीक है अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ आंसर में क्या क्या दिया है फाइव लीटर टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव मिली लीटर एट लीटर सेवन हंड्रेड सिक्सटी फाइव मिली लीटर वन लीटर सेवन हंड्रेड थर्टी फाइव मिलीलीटर एंड सेवन लीटर सेवन हंड्रेड सिक्सटी फाइव मिलीलीटर तो हमारा आंसर क्या है एट लीटर सेवन हंड्रेड सिक्सटी फाइव मिलीलीटर लीटर बी पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है ठीक है तो ये तो हमारा चैप्टर टेस्ट कंप्लीट हो गया इसके बाद मेंटल मैथ्स है उसको हमें बुक में ही करना है ठीक है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसे नए नए हैं हम लोग सब तरह के क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं तो ये मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस हम बुक में ही करेंगे सिक्स मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर सिक्स हंड्रेड हंड्रेड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन टू लीटर इज इक्वल टू टू थाउजेंड मिली लीटर थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री थाउजेंड ग्राम इज इक्वल टू हाउ मनी के जी थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा थ्री के जी फोर हंड्रेड सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर्स इसके लिए हंड्रेड से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर फोर मीटर्स फोर के जी इज इक्वल टू फोर थाउजेंड ग्राम्स फाइव थाउजेंड एमएल इज इक्वल टू फाइव लीटर्स ठीक है नाउ कंपेयर विद लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू कंपेयर करेंगे इसको हम यही वर्बली करेंगे इसको वन मीटर एंड सेवेंटी सेंटीमीटर तो वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं वन हंड्रेड तो वन हंड्रेड बड़ा है सेवेंटी छोटा है इट मीन्स ये बड़ा होगा टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर्स एंड टू किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होंगे टू थाउजेंड तो टू टू थाउजेंड बड़ा है या टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बड़ा है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन के जी मीन्स वन थाउजेंड ग्राम्स और यहाँ पर दिया है नाइन हंड्रेड नाइन्टी ग्राम्स यानी वन थाउजेंड ग्राम्स ज़्यादा बड़ा है टू लीटर टू थाउजेंड मिली लीटर्स टू लीटर्स का मतलब टू थाउजेंड मिली लीटर और इधर क्या दिया है टू थाउजेंड मिली लीटर तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर एंड फाइव मीटर फाइव मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं फाइव हंड्रेड तो फाइव हंड्रेड इधर फाइव हंड्रेड इधर ये दोनों भी इक्वल होंगे ठीक है नाउ इज़ द वेट ऑफ अ स्कूल वैन अबाउट थ्री थाउजेंड किलोग्राम्स और थ्री थाउजेंड ग्राम्स जो एक स्कूल वैन होती है उसका वेट कितना होगा थ्री थाउजेंड किलोग्राम्स या थ्री थाउजेंड ग्राम्स थ्री थाउजेंड किलोग्राम्स क्योंकि थ्री थाउजेंड ग्राम्स का मतलब तो ओनली थ्री के जी तो थ्री के जी की तो वैन नहीं होगी इसलिए थ्री थाउजेंड

क्वेश्चन नंबर सिक्स कैपेसिटी ऑफ अ मीडियम साइज बकेट इज अबाउट जो एक मीडियम साइज की बकेट होती है उसमें कितना पानी आएगा फिफ्टीन लीटर या तो ट्वेंटी करेंगे क्वेश्चन सेवन को कट कर देंगे क्वेश्चन नंबर एट डज द वाटर स्टोरेज टैंक ऑन द रूफ ऑफ योर हाउस हैव अ कैपेसिटी ऑफ अबाउट है लीटर लेस देन लीटर और मोर देन लीटर आपके घरों पे जो छत में वाटर स्टोरेज टैंक है उसकी कैपेसिटी लगभग कितनी होती है वन लीटर वन लीटर से कम या वन लीटर से ज्यादा वन लीटर से ज्यादा तो यहाँ लिखेंगे मोर देन लीटर ठीक है तो ये मेंटल मैथ्स का वर्क आपको बुक में ही कंप्लीट करना है और चैप्टर टेस्ट का क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एंड फिफ्टीन आपको कॉपी में करना है ठीक है तो आज का ये वर्क है इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे